तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फेसबुक के अकाउंट को इंस्टाग्राम से डिस्कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने फेसबुक के अकाउंट को इंस्टाग्राम से डिस्कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने इंस्टाग्राम के ऐप को यहाँ से ओपन कर लीजिए। यहाँ से इसको ओपन करने के बाद सिंपली आप जाइए अपनी फाइल के ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद सिंपली फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। और आपको देखिए यहाँ पे ऊपर कोने में थ्रीलाइंस का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने सिंपली इसको भी यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको देखिए फर्स्ट नंबर पे अकाउंट सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, तो आप सिंपली इसको भी यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लीजिए। इसको ओपन करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे स्क्रॉल ऑन करिए, एकदम लास्ट में जाइए, और देखिए आपको लास्ट में यहाँ पे अकाउंट्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आप सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपको आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा, और आपको देखिए आपके फेसबुक के अकाउंट के आगे एक रिमूव का बटन दिखेगा, तो आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे रिमूव अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली दोबारा से यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कि आप सच में इस अकाउंट को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हाँ करना चाहते हैं, तो आपको देखिए यहाँ पे नीचे ब्लू कलर में यस रिमूव पंकज चौधरी का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। और जैसे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग लेगा, उसके बाद आपका फेसबुक अकाउंट आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा आ चुका है यू रिमूव्ड पंकज चौधरी, और जैसे मैं आप इसको ओके करूंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा फेसबुक अकाउंट यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके है जो है आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर से अपने फेसबुक के अकाउंट को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिर बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।